हेलो रिबन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो इससे पहले आपको मैथ्स के 6 पार्ट तक कराया गया और उम्मीद करते हैं कि आपने सभी पार्ट को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं वो बिल्कुल आपका पेपर जो कैंसिल हुआ है उसी के बेस पे है, और जो भी बाकी शिफ्ट हुए थे उन सभी को हम लोग देखते हुए क्वेश्चंस को अरेंज कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक लड़की और एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5:4 है। तो इनके प्रेजेंट आयु हमारे पास क्या है? 5:4। क्या क्वेश्चंस था? लड़के यानी कि गर्ल्स और ये बॉयज, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले लड़के की आयु, यानी 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 4 वर्ष पहले लड़के की आयु यानी बॉयज क्या है? 4x। 4 वर्ष पहले इसका आयु था 24, लेकिन 4 वर्ष अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो 4 और जोड़ करके वर्तमान में लाएंगे तो यानी टोटल 28 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स का मान कितना निकलेगा? 7। तो प्रश्न में पूछा है कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले प्रेजेंट देख लेते हैं कितना है। 7 × 5 = 35 हो गया लड़की की आयु, कितना है ये प्रेजेंट का। लेकिन 5 वर्ष बाद, तो 5 हम इसमें ऐड करते हैं यानी 40 वर्ष। बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शंस बी पे जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि पावर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए POWERS पावर्स लिखा गया है। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो जितने भी लेटर होते हैं उनको आप क्या करो कि फैक्टोरियल निकाल लो। एक कंडीशन ये भी होता है, अगर प्रश्न में कहा जाए कि अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि एक ही अक्षर को दोबारा नहीं लिखने की अनुमति हो, तो जितने अक्षर रिपीटेड होते हैं उसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि शब्दों के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जितने भी लेटर हमें दिख रहे हैं उनको आप फैक्टोरियल निकालो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है? 720। कैसे निकालते हैं? पीछे से सब गुना कर लो, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, सभी को गुना करेंगे तो 720 यहाँ पे आपका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 4 बैग और 12 पर्स का मूल 1520 रुपया। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरह के प्रश्न भी पूछे गए थे। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने तरीके से कुछ भी डाल रहे हैं। 4 बैग और 12 पर्स का जो मूल था वो 1520 रुपया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10 बैग और 30 पर्स का मूल्य बताइए क्या होगा। देखिए एक होता है, दो हमारे पास इक्वेशंस होते हैं, वहां पे इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाला जाता है, और एक कंडीशन बनता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन रहता है, दूसरा हमसे पूछा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, सिर्फ आपको ये देखना होता है कि क्या यहाँ पे किया गया, कितने का यहाँ पे देखने जो कि गुना किया जाता है। यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों में देखें, जो भी हमारे पास इक्वेशन दोनों दिख रहा है, दोनों इक्वेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे 2.5 का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 2.5 का गुना किया गया, यहाँ पर भी 2.5 का गुना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी 2.5 से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी 2.5 के गुना करिए तो यहाँ पे 1520 को अगर मैं 2.5 से गुना करूँ तो आप ये कह सकते हो कि 152 को 25 से गुना कर लीजिए। अब इसको आप गुना करेंगे तो आपका सही आंसर जो होगा, आप ऑप्शंस देख सकते हैं, 3800 बिल्कुल सही आंसर होगा, आप गुना करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 22 रुपये प्रति किलो चावल को 33 रुपये प्रति किलो चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 44 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 60% का प्रॉफिट हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हमने पहला ये क्या है हमारा क्रैमूल वाला है, दूसरा भी क्रैमूल वाला है, लेकिन क्वेश्चंस में आगे कहा जा रहा है कि हमें इन दोनों को मिलाकर के किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मुझे 44 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 60% का लाभ हो। हमें यहाँ पे क्रैमूल नहीं दिया जा रहा, दोनों को मिश्रण करने के बाद क्रैमूल की बात नहीं की जा रही है, तो सबसे पहले हमें क्रैमूल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो देखिए 44 रुपये में बेचा जाता है यानी कि विक्रय मूल्य है, तो क्रैमूल मान लेते हैं कि एक्स रहा होगा, 60% का प्रॉफिट हो रहा है यानी 160/100। यहाँ पे अगर 20 से कटाएंगे तो ये आपका 8, ये 5, ये 4 से कटाएंगे तो 4 × 2 = 8, 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55/2, ये अब हुआ हमारे क्रैमूल। ये क्रैमूल कौन हुआ? दोनों को मिश्रित करने के पश्चात, तो एलिगेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं यहाँ से हम घटा लेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे यानी 33 − 55/2, और इसके बाद जो रेशियो हमारा बनता है क्या है, 22 में से आपका घट जाएगा 55/2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपका इस तरह से घटता है ना, दोनों के एक चीज नहीं घटाते, इसमें से ये घट जाएगा 55/2 में से हमारा 22 घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 33 × 66 में से 55 गया तो 11/2, और यहाँ पे जो रेशियो होगा कितना, 11/2, कटने के बाद 1:1 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हम सी पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी अच्छा ही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि 7/9 के पावर में x-3 दिया गया, इसके बाद 81/
49 के पावर में हमारे पास लिखा गया x माइनस छ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 7/9 है, लेकिन यहाँ पे 9/7 आपको दिख रहा होगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो दोनों जो बेस है इसको इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए करना क्या होगा, किसी भी एक को हम बदल लेंगे। तो पहले वाले को तो मैं छोड़ देता हूँ, दूसरे वाले को अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो 9/7 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो दोनों में गुना हो जाएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर में जो भी अंक है उसमें गुना होगा। तो 2x-12 हो गया ये, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो क्या होगा, 7/9, और जब ये आपका ऊपर में देखिए प्लस में था लेकिन पलटा मैंने, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो मैंने ऊपर में माइनस किया, 2x+12 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, जब आधार सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाता है, बेस सेम तो पावर इक्वल। तो यहाँ पे x-3 = -2x+12 ये हो गया। x को एक तरफ लाएंगे, बाकी अंक को एक तरफ। तो -2x को राइट साइड से अगर उठा करके लेफ्ट में लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x = 15, x का मान 5। तो क्वेश्चंस में आपसे यही पूछा गया था कि बताइए x का मान क्या है, तो x का मान यहाँ पे 5 बनेगा। चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चंस कह रहा है कि 125 लीटर मिश्रण में सिरफ और पानी का जो अनुपात है वो 12:13 है। यानी 125 में 12/13, अगर 13 नहीं 25 करना पड़ेगा, टोटल है तो 25, तो 25 + 125, 12 + 60 हो गया। अगर 60 एक है तो क्या है ये सिरफ है, ठीक है, सिरफ हो गया आपका सिरफ। तो बाकी जो शेष बचा होगा 125 में 60, यानी कितना, 65। 65 क्या, ये आपका पानी हो गया, पानी हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि सिरप और पानी के बीच का अनुपात 7:8 प्राप्त करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना होगा। यानी यहाँ पे सिर्फ हमें पानी मिलाना है, तो सिरप को मैं ज्यों का त्यों छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे पानी में मैं मान लेता हूँ कि कुछ लीटर मैंने पानी मिलाया, एक्स जोड़ देते हैं, और ये जो हमारा अनुपात होगा वो 7:8 बन रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/8, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिए, 8 × 6 = 48, उसके बाद राइट साइड में अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो गया, 3 × 7 = 6 = 42, और 3 = 45 +7x। उसके बाद इधर लाते हैं तो कितना हो जाता है, ये 480 में से 455 घटाते हैं, तो यहाँ पे आपका 25 = 7x, x का मान जो निकलेगा 7 × 21, और उसके बाद 4 × 7 = 35, यानी 3.7 समथिंग आएगा, 3.5 आएगा, सॉरी 35 ना, तो 3.57 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न देखिए पूछा भी गया था आपके पेपर, अगर आप देखोगे प्रीवियस मतलब कि जो कैंसिल हुआ था उस पेपर को उठा के देखिएगा तो इस तरह के प्रश्न भी आए थे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हमारा जो कि एक औसत से है, और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको जोड़ करके डिवाइड करना है। क्वेश्चन ये था कि 15 + 26 + 32 + 41 + p और उसके बाद 72, इन सभी का जो औसत दिया गया 40 दिया गया। तो सबसे पहले संख्या गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 है और औसत यहाँ पे 40 था, तो टोटल कितना हो गया, 240, ठीक है, 6 × 24। सभी को जोड़ लेते हैं कितना होगा, तो सभी को जोड़िए, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 × 6 = 11, 11 + 5 = 16, लास्ट में 6, इसके बाद हमारे पास बचा है 1, 7 × 11 = 3, 14, 2 + 16 = 17, 17 + 1 = 18, यानी 186 + p बराबर में 6 × 24, 240। पी का वैल्यू यहाँ पे आप निकाल लीजिए, सिंपल सा सही आंसर आपका निकल जाएगा, कितना हो गया पी का मान, तो पी का मान यहाँ पे आप घटा लीजिए, करेक्ट आंसर हमारा निकल जाएगा 10 में से, यानी कि 54 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, 54 ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पहले, पहले है तो मैं नीचे कर लेता हूँ, राम और राहुल है, ठीक है, तो कितना अनुपात इनका है, 3:4 का अनुपात है, 4 वर्ष पहले है ये, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 17:22 है, यानी प्रेजेंट में जो उनका रेशियो है 17:22। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियो को इक्वल करेंगे, तो रेशियो को इक्वल करने के लिए आप यहाँ पे देखिए नीचे का अंतर कितना हो रहा है, 17 और 22, 5 का डिफरेंस, ऊपर में गुना, ऊपर में कितना का अंतर, 1 का, तो नीचे गुना कर लीजिए, ऊपर में कितना हो गया ये, तो आप कहेंगे चलो यहाँ पे लिखता हूँ, 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, उसके बाद नीचे 17:22। अब यहाँ पे क्या हो, यूनिट में अंतर, 2 यूनिट का अंतर कितने के बराबर है, 4 साल, प्रेजेंट से 4 साल पहले, यानी कि 4 साल, तो 1 यूनिट = 2, 1 यूनिट = 2, 2 ईयर्स। अब प्रश्न में बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यदि राम सुनील से 5 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे पहले राम की आयु देख लेते हैं प्रेजेंट में कितना है, तो राम का प्रेजेंट आयु ये था 17 × 34, राम 17 × 34 प्रेजेंट में है,
तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि राम जो है वो सुनील से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कहने का मतलब कि सुनील जो है इससे 5 साल छोटा होगा। तो अब राम जब 34 वर्ष का है, राम 34 वर्ष का, तो इससे 5 साल कम कर लेते हैं, सुनील की आयु निकल जाएगी। सुनील की आयु कितना, 5 कम कर लेंगे, 29। यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुनील की वर्तमान आयु कितनी है, 29 वर्ष। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन के पास 3/10 मीटर लंबा लाल रिबन है, 3/10 रेड कलर का रिबन है, ठीक है, रेड कलर का, और 2/9 मीटर लंबा उसके पास ब्लू कलर का रिबन है। तो बताना है कि कौन सा रिबन सबसे लंबा है और कितना लंबा है। तो देखिए सबसे पहले हमें यह करना होगा, तो आप इसको तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए कि कौन बड़ा है और कितना बड़ा है, घटाना पड़ेगा, या फिर एक और मेथड है कि नीचे वाले का आप क्या करो कि एलसीएम ले लो। तो 10 और 9 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, सिंपल सा 90। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, 10 ऊपर में भी 90 और नीचे में भी 90, तो कितना बन जाता है, तो आप ऊपर में कहेगा कि 27 हो गया और नीचे में 90 हो गया, यानी पहला ये, और दूसरा जो हम देख लेते हैं 2/9 है, तो ऊपर में भी 90 नीचे में भी 90, यानी यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे आप कहिए कि 20/90। अब ये देखिए कि बड़ा कौन सा हुआ, जो ज्यादा ऊपर में देख रहे हैं जो बड़ा होगा वो बड़ा हो गया, क्योंकि नीचे तो हमने दोनों इक्वल कर ही दिया है, तो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा हो, यानी कि उसके पास लंबा वाला रिबन कौन सा है, तो लाल वाला, कितना लंबा है, तो दोनों में से घटाकर अंतर देख लिया, 27 में से 20 गया, 7/90 मीटर लंबा हो गया ये। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कितना लंबा, 7/90, और कौन सा, तो रेड कलर, यानी सही आंसर इस पे जाएंगे, ऑप्शन बी पे, लाल रिबन 7/90, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, बहुत ही छोटा सा प्रश्न, आप इसको बस लॉजिकली कर सकते हो कि किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। तो कोई भी एक संख्या ले लो, मान लीजिए कि हम वो संख्या ले लेते हैं 20, क्योंकि अगर मैं संख्या को 15 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल यहाँ पे हमारा 5 बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं कि इसी संख्या के वर्ग को, यानी ये जो संख्या हमने लिया इस संख्या के वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। इस संख्या के वर्ग को अगर 15 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा, तो बस यहाँ पे 15 से इसको डिवाइड करके देखिए कितना शेषफल आता है। तो 15 दूनी की 30, 10 बचा, 1 0 उतरा, 15 छके 90, यानी कि 10 शेषफल बच रहा है, तो यही हो गया सही आंसर, 10, 10 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 6:7 और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 546 है, तो बताइए कि दो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए करते हैं, यहाँ पे हम ध्यान से करिए, दो संख्या हमारे पास 6:7 है, यानी कि 6x और 7x, इन दोनों का एलसीएम कितना देगा, 7×6=42, एक्स जो है वो कितना हो जा रहा है, 546, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42×42, यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना, तो आप कहेंगे कि 42 हो गया, तो 4×8=12 और 3 बार में कट जाएगा, यानी 13, एक्स का मान हो गया 13। अब प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा था कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 7 और 6, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 7×6=13, 13x, और 13x मतलब कि 13 × 13, 13 × 13 मतलब 169। अब ऑप्शंस पे देखते हैं, ऑप्शंस में क्या कह रहा है कि 13 का वर्ग है, तो यहाँ पे पहले ही हमें दिख रहा है कि 13 का वर्ग है, ऑप्शंस बी पे जाएंगे, 13 का वर्ग। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 140 रुपये था, उसे 121.8 रुपये में बेच दिया गया, तो हमें बताना कितना परसेंट का उसको डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, मैंने उस वस्तु को कितना बेचा, 121.8, और मार्केट प्राइस 140 था, डिस्काउंट मान लेते हैं कि उस पे एक्स परसेंट का डिस्काउंट मिला होगा, तो 100 में से एक्स घटा लिया, बाकी को सॉल्व कर लेते हैं, एक यहाँ पे देखिए 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म। अब यहाँ पे क्या है कि 1218 = 1400 - 14x, यानी यहाँ पे करेंगे तो 14x = 1400 में से आपका 1218 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14x = घटाने के बाद कितना करेंगे, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे 182 यहाँ पे हो जाएगा, 182। अब यहाँ पे x का मान हम निकाल लेते हैं, 182/14, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में तो नहीं है, कट जाता है कि नहीं कटता है देखते हैं, 14×14 हो गया, यहाँ पे बचेगा 4 और 2 यानी 42, 14×3=42, यानी x का मान 13 बिल्कुल सही आंसर है, 13% की छूट उसको मिली थी, 140 रुपये की वस्तु थी, 13% का मैंने डिस्काउंट दिया था, तब जाकर के मैंने उसको 121.8 रुपये में बेचा था।
इसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि प्रेम की आय जय की आय से 25% अधिक है तो बताइए कि जय की आय प्रेम से आय कितने प्रतिशत कम है। तो ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे कुछ भी नहीं करना होता है, जितना भी कहा जाए उसको आप ऊपर में रख लीजिए, अगर वृद्धि कह रहा है तो नीचे जोड़ दीजिए, अगर कम ही कह रहा है तो नीचे कम कर दीजिए। तो यहाँ पे पहले 25% की वृद्धि कह रहा है तो 125 मैंने नीचे कर दिया, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 25 पचे 125 और 5 कटा देंगे तो 20% यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, 20%। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं क्योंकि इसमें सिर्फ और कैलकुलेशन करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट हो ही। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12,000 का 50% का 25% का 40% का 75%, बस परसेंटेज तोड़ते चलिए, मैं आपको बस यहाँ पे फॉर्मेट बता दे रहा हूँ कि क्या करना है, आप राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसका 50% का मतलब क्या लिखेंगे, 50% का मतलब 1/2, उसके बाद 25% का मतलब 1/4, उसके बाद 40% का मतलब 2/5 और उसके बाद 75% का मतलब 3/4। अब इसी को आप सॉल्व करके राइट आंसर नीचे कमेंट कर दीजिएगा कितना सही आंसर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो कि टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 लड़के, 4 मैन और 6 बॉयज एक काम को 4 दिनों में करते हैं, ठीक है, एक काम को 4 दिनों में करते हैं, उसके बाद उसी काम को, जबकि उसी काम को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैन और बॉयज का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि उनका क्षमता क्या है। तो देखिए, 4 चौका 16 मैन प्लस 6 चौका 24 बॉयज बराबर में कितना हो जाएगा, 7 दूनी की 14 मैन प्लस 7 चौका 28 बॉयज। बॉयज को एक तरफ कर लेते हैं, मैन को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे घटाएंगे तो 2 बॉयज बराबर में हो जाएगा कितना, 2 मैन बराबर 4 बॉयज, और मैन और बॉयज की रेशियो देखें तो 2:1 बन जाएगा। अब प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न आगे कह रहा है तो बताइए कि 10 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला काम था वो कितने दिनों में समाप्त हो रहा था वो पहले देख लेते हैं, यानी टोटल उनका कार्य, टोटल कार्य कितना था। तो टोटल कार्य कैसे करेंगे, मैन और बॉयज का जो भी इफिशियंसी निकाला हमने यहाँ पे कर लेते हैं, तो 4 × 2 करेंगे तो 8 प्लस 6 और ऊपर में हो गया हमारा 4, यानी कि 8 और 6 14 14 × 4, ये टोटल काम था। अब इस टोटल काम को कराना कितने लोगों से है, तो 10 मैन प्लस 8 बॉयज के साथ मिलकर के कराना। तो करते हैं 14 × 4 और नीचे हो गया, मैन के जगह पे 2 रखेंगे तो यानी कि 20 और प्लस बॉयज के जगह पे 1 है तो 8, 14 × 4/28 तो 14 × 28 2 × 4, यानी 2 दिन में इस काम को किया जा सकता है, इसलिए आप ऑप्शंस बी पे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फटाफट हम करने वाले हैं, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं है। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर के 5 दिन तक काम किया, एक मैन और एक बॉयज ने मिलकर के काम को 5 दिन में किया, टोटल 5 दिन वो लोग काम किया। आगे कह रहे कि और उन्हें कुल मिलाकर के 1,000 रुपये की मजदूरी मिलती है, यानी 5 दिन तो उन्होंने काम किया तब जाकर के उनको 1,000 रुपये की मजदूरी मिली है, 1,000 रुपये की मजदूरी मिली है। तो आप मुझे ये बताइए कि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कुशल है, यानी कहने का मतलब जो हम मैन है उनका कार्य करने की क्षमता 1 दिन वो बॉयज की तुलना में 3 यूनिट कर सकते हैं, यानी अगर बॉयज 1 यूनिट करते हैं तो मैन 3 यूनिट कर सकते हैं, इनकी क्षमता है। अब ये बताइए कि 5 दिन में अगर उनको 1,000 रुपये मिलती है तो 1 दिन में कितना मिला हुआ, उनकी दैनिक मजदूरी कितनी होगी, 1 दिन की बात करें तो 200 रुपये, 1 दिन में वो 200 रुपये कमा रहे हैं, टोटल 5 दिन में 1,000 मिलता था तो 200 रुपये। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में यही पूछा है कि लड़के की दैनिक मजदूरी बताइए, दैनिक मजदूरी यानी जो भी लड़के की एफिशिएंसी होगी, जब भी पैसा बांटा जाता है उनकी एफिशिएंसी पे बांटा जाता है, उनके कार्य करने की क्षमता में बांटा जाता है। तो यहाँ पे 200 रुपये टोटल उनका 1 दिन का इनकम था, उस पे हमने बॉयज का एफिशिएंसी रखा थी 1 और टोटल कितना हो गया 4, यानी यहाँ पे कहेंगे 50 रुपया बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि बॉयज की 1 दिन की जो मजदूरी होगी, इनकम होगी, वो कितना है, 50 रुपया, ऑप्शन सी में देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि यूनिट डिजिट निकालना है आपको, और यूनिट डिजिट हमने नंबर सिस्टम में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कैसे निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। देखिए क्या है, 21/53 लिखा गया, तो बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक को क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो भी पावर दिख रहा है उसी को आप 4 से डिवाइड कर लो। तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 कट जाएगा, 7 को डिवाइड करेंगे यानी 3 शेष पद बचेगा, जो भी शेष हमारे पास बचता है, शेष जो भी बचता है, अब जो नीचे रहता है ब्रैकेट में जो रहता है उसका लास्ट यानी यूनिट डिजिट के पावर में उतना कर लीजिए, यानी 3 जो दिख रहा है हमें यहाँ पे, 3
जितना भी शेष है उसके पावर में तीन कर लीजिए, तीन के पावर तीन करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी लास्ट में 7 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 7 होगा, यानी 2153 के पावर 167 को अगर हम पूरा विस्तार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमारा जो निकलेगा लास्ट में डिजिट वो 7 होगा। इसी को कहते हैं इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट। चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 1/1.2, ये पॉइंट नहीं है, गुना है, 1 × 2। ध्यान समझिएगा कैसे यहां पे लिखा गया, इस तरह से लिखा गया, उसके बाद प्लस 2 × 3 × में ये कह सकते हैं, पॉइंट मत समझिएगा, प्लस डॉट 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 प्लस में 1/n × n+1, ठीक है। तो इसको मैं तोड़ता हूँ, इसको अगर मैं तोड़ू तो आप इस तरह से कह सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 में से एक जगह तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से वही चीज, इसको भी हम कर सकते हैं इस तरह से, फिर यहाँ पर भी वही चीज, प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए अगर हम इन सभी को वापस अरेंज करके तोड़ेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस में 1/2 प्लस में 1/2 कट रहा है, माइनस 1/3 प्लस 1/3 कट रहा है, इसी तरह से माइनस 1/4 प्लस 1/4 कटा होगा। तो यहाँ पे अगर प्लस 1/n है तो इससे पहले माइनस में 1/n होगा, वो भी कट गया, तो 1 माइनस कितना हो रहा है, 1 − 1/(n+1)। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 − 1 − 1/(n+1) हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म, यानी 1/(n+1) इस प्रश्न का सही आंसर है, जो कि ऑप्शन हम बी में देख सकते हैं, बी बिल्कुल सही होगा। तो हमारे पास आज इतने ही सारे क्वेश्चंस थे, आज आपको करीब 18 क्वेश्चंस मैंने कराया, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।